निकलें अपने घर से, गेट आउट फ्रॉम योर हाउस और घूमें ये खूबसूरत जगह। खाना बदोश दोस्तों, तो फाइनली पहुंच गए हैं। कोई 8 घंटे का सफर करके हम कराची से रानीपुर, और आपको दिखाएंगे कि एक दिन रानीपुर में कैसा गुजारा हमने इस गांव में। तो मेरे साथ रहिएगा दोस्तों, मैं आपको दिखाते चलूं कि जब भी हम किसी नॉर्दर्न एरियाज में या कहीं जाते हैं तो हमें किसी होटल में ठहरना पड़ता है, लेकिन यहाँ जब आप सिंध के इंटीरियर के गांव आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो मेहमान नवाजी है वो यहाँ के जो यूनियन काउंसिल कह लें आप, जहाँ इनके काउंसलर्स और चेयरमैन बैठकर अपने मामलात करते हैं, वहाँ पर आपको मिलती है। और ये है वो जगह, यहाँ पर पूरे गांव के जो फैसले हैं, जिरगे हैं, वो यहाँ लगते हैं और सारे मेहमानों को भी यहाँ बिठाया जाता है। बड़ी खूबसूरत जगह है। सादा जैसी ज़िंदगी और कचहरी लगी हुई है। लाइट यहाँ पर कोई 16-17 घंटे नहीं होती, तो सोलर लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का, कि इनकी औताक, इनका मेहमान खाना। तो ये है इनका मेहमान खाना, और एक कमरा ये है, एक इनका ये बड़ा कम्युनिटी हॉल है। ये अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, अब लेके चलते हैं। यहाँ पर UPS है, सारी लग्जूरियस लवाजमात आपको यहाँ पर मिलेंगे। होगा आपको लगेगा नहीं कि आप किसी इंटीरियर के गांव में मौजूद हैं। फिर यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, तो अब आप पहुँच जाएंगे खेतों में। रानीपुर, और ये रानीपुर का एक छोटा सा गोट है जिसका नाम है एदी खान राजपर गोट, और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है। इससे पहले आपको जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ के गांव दिखाए थे, और लेकिन आज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये हैं सिंध के गांव, और बहुत खूबसूरत गांव है। और मैं आज आपको इंशाल्लाह इस गांव की इंटीरियर की क्या लाइफ होती है, कैसी सादा लाइफ है इन लोगों की, घरों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये सामने एक मस्जिद भी जो है वो ज़ेर तामीर है, बहुत खूबसूरत जगह है। गांव की ज़िंदगी सादा और ख़ूबसूरत। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और पूरा गांव इतवार होने के बावजूद भी अपने कामों पर लगा हुआ है। दोस्तों बहुत खूबसूरत गांव है, और फाइनली हम यहां पर कोई 7 घंटे का सफ़र करके कराची से पहुंच चुके हैं। और गर्मी है काफ़ी, लेकिन फिर भी सही है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है कपास, और अगर आपको मैं दिखा सकूं उधर वो पीछे तो वो है केले का बाग, इधर आ जाएं तो ये है चावल, और अगर उस तरफ देखेंगे आप तो वो है गंदम। तो पूरी तरीके से हर नेमत अल्लाह ताला ने इनको दी हुई है, और ये माशाल्लाह अपनी मेहनत से इस नेमत को और 4 चांद लगा रहे हैं।
इतवार का दिन और यहाँ के गांव के बच्चे अपनी मेहनत आज भी कर रहे हैं, ये पूरे कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और ये हैं यहाँ के चरवाहे जो अपनी बकरियों को, अपने मवेशियों को सुबह समझ लें कि इनके नाश्ते के लिए बाहर लेकर आए। हाँ, तो गांव के बच्चों पढ़ाई करते हो? हाँ। तुम किस क्लास में हो भाई, सबसे बड़े वाले? सिक्स। और ये तुम्हारे बराबर वाला? पांच। और तुम भाई? थ्री। और तुम भाई? थ्री। तुम भी थ्री में। और आप ग्रीन शर्ट वाले भाई? टू। टू क्लास में। अच्छा, स्कूल भी जाते हो, फिर ये अपने घर का गांव का काम भी करते हो, ये मवेशी वगैरह भी संभालते हो, ये खाली इतवार वाले दिन करते हो या रोज़ ये काम है? ये रोज़ करते हो? अरे ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। तुम लोग तो बहुत मेहनती बच्चे हो। खुश रहो भाई, खुश रहो। दोस्तों, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये समंदर नहीं है बल्कि ये है यहाँ का फिश फार्म। रानीपुर के अंदर भी फिश फार्म मौजूद हैं। रानीपुर के अंदर जैसे केले के बागात मौजूद हैं, कपास की बहुत अच्छी काश्तकारी है और चावल की बड़ी अच्छी काश्तकारी है, इसी तरीके से यहाँ पर फिश फार्मिंग भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड और हाईटेक तरीके से की जा रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट आपको यहाँ पर मशीनरीज नज़र आएंगी, आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ नज़र आएंगी, ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी फसलों के लिए बल्कि फ़िश फार्मिंग के लिए भी। तो गांव ज़रूर है ये, लेकिन मेरे ख़्याल में रोज़गार के हवाले से ये लोग बेहतरीन जो है वो सेंस रखते हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है खजूर का बाग और इसके साथ आप देखें तो ये है गन्ने काश्त किए जा रहे हैं यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी थोड़े छोटे हैं तो ये गन्ने का खेत आ गया। इससे थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, कपास उगी हुई है और ये देखें आप क्या खूबसूरत खेत और क्या सफ़ेद सफ़ेद जगमगाती हुई कपास। तो सारे जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब भी आपको लगे कि जी ज़िंदगी बड़ी जो है वो मुश्किल हो गई है शहर में, तो मेरी उनको राय यही होगी कि थोड़े दिनों के लिए गांव की तरफ निकल आएँ किसी और ये खूबसूरत बागात देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और नेचर के करीब हो जाएं। क्योंकि नेचर से जब आप करीब होंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा और बड़ी पुरसकून जगह है, बहुत पुरसकून जगह है, बड़ा खूबसूरत गांव है। चावल उगा हुआ है, चावल काश्त किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत आपको खेत दिखा रहा हूँ, काश्तकारी दिखा रहा हूँ चावल की। जो चावल हम समझते हैं कि बड़े आराम से जाओ दुकान पर और 5 किलो लेकर बिरयानी पका के घालो, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना उसके ऊपर मेहनत करते हैं ये यहाँ के लोग, तो ये चावल हम तक पहुँचता है। बहुत खूबसूरत ये काश्तकारी, बड़ा खूबसूरत ग्रीन। लोगों को अक्सर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार शायद सिंध इतना ग्रीन नहीं है, तो मेरे दोस्तों आए यहाँ पर पंजाब या जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, सिर्फ ग्रीन नहीं है, यहाँ पे भी लोगों ने बड़ी मेहनत की है और ज़मीन को ऐसी ज़िंदगी दी है कि ये भी फुल हरी भरी है। तो खूबसूरत पाकिस्तान का खूबसूरत जो है गाँव। Thank you.
दोस्तों एक दिन तो कम है यार इस इतने खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, एक दिन कम है भाई। बहरहाल एक पूरा दिन मैंने जो है वो रानीपुर के इस गांव को एक्सप्लोर करने में लगा दिया, और यकीन जाने कि वर्थ इट।